face in your face. आज का वीडियो करने लगे हैं स्टार्ट। उम्मीद करने का खैर इतना दोस्तों, पहले पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को दबा दो। चलो आज का व्लॉग करने हैं स्टार्ट। आज मेरे ख्याल लेंदे वे दिन पानी छोर पानी लाने होंगे, ये मेरे ख्याल पैर बिट लेंदे खड़े नहीं, पता नहीं पानी लेंदे खड़े मैंने ये पैर मैंने होंगे भी उत्थे वो सामने मिट्टी होंगी और पानी लाना होंगे, या गुए एक बिघा खड़े जमीन का उन्होंने पानी लाना होंगे, पर अच पैम मैं लगता कट्ठे करेंगे खड़े तो दिखाने तो पैम कट्ठा करेंगे खड़े पैम बड़े मुश्किल ना ही कट्ठा थे वेखो ये धक्का खड़ा सारा पुत्र मलिक सकलैह लगा खड़ा है पैम कट्ठा कर अगर ये ट्यूबवैल है इतों पानी पैदा है तो उत्ते चाड़ा हुआ ने पैम पी ओ तो इतों मैं आई भी यानी कि उन्हें कट्ठा करें खड़ा कट्ठा करके रखे सी ते वो सामने पानी लेंदे उन्हें उत्थे ते एदे नाल के करेंदे असे अच्छा दस्से वादा दस चौर नूं मिट्टी पुसाने होने तो वो उपर गए पे गए पी ओन भरे होने मिट्टी तुम वो दिखा देना मैं जी पुसाने होंगे नहीं तो डायरेक्ट मैं वो सटेंदे तो इवें बस पाँच सात मिनट लगते हैं तो वो भरी पैंती अठ मिनट में दस मिनट क्योंकि वो थोड़ी जी होंगी इतनी ज्यादा कौन होंगी जी मशीन यानी कि चलाने होंगे ना ये अपना पी ए गाह अपना खड़ा है अंबा ने बाग बाग ही अपना पी ए तो अगू रिश्तेदार ने ये आला सामने वाला बाग ही अपने पर पे बाग ही बाग है पिया एडा ज्यादा तो कोई नहीं जिम्मे बाग ही बाग है पिया ये पैम आता पिए तो पैम पाँदा है उतों ताई ये अगे ये आला पैम पे कितों तक मुक् पैंता है तो दूजा टोटा शुरू होता है उतों तक दूजा टोटा ये वो पीए सामने इन्ना बलेट के अगे रख रखे वो पीए वो लेटा पीए तो वो सामने पाई मिट्टी डायरेक्ट कितों सटेंदे मिट्टी तो मिट्टी यानी कि पुसा देंदे अगर मिट्टी पुसा होनी हो मिट्टी वो पुसा के बाद तो इट्टा शिट्ट बनावनी होंगी ना ये सामने वेखो मिट्टी बनी पई है वो मशीन खड़ी है जलन वाली इट्टा थपनी होनी यानी इट्टा बड़ा होनी होंगी मशीन चलावनी होंगी ना तो वालो पुसा देंदे एक डैडे पहले तो वालो दूजे डैडे यानी कि इट्टा बना लेंदे उन्हें ये वेखो सामने मिट्टी के ठावला पीए ये यानी कि पा के पैम साड़ देंदे डायरेक्ट तो पानी मिट्टी बन पी है तो उस वेदे पाया उस चलिए खड़िए उएं पई दूसरा तीसरा दिन अच्छ धुप ही नहीं निकली धुप निकले है तो कोई बने गल तो चलिए पई उएं तो सुकदी ही नहीं पी इस मौसम में किमें सुकन भगू वेद तो पे ढाई ग्यारह बजे खड़ी हूँ वल वल अगू निकलती नहीं पी धुप ही नहीं निकलती ना कोई सूरज निकलता है पीए तो वल बंदा क्या करे तो छलियां पईया तो हैं वेखो हूँ क्या बनती है काफ़ी दिहाड़े हो गए पईन अज तकरीबन सात सात छः सात दिहाड़े हो गए छलियां पईन ये तो दिखा देने तो सुकदियाँ तो नहीं पईया सुकना तो अगर धुप निकले तो वाल तो सुकाना धुप निकलती नहीं पई धुप निकले तो वाल तो सुकम जाना उए पईन फिलहाल तो एक तो रात का ही डर लगा रहा कुछ आ ना लवे साढ़े पास क्योंकि चोरी शोरियाँ बड़ी होंगे काफ़ी सारी चोरी होंगे रह पैदा डकेटियाँ तो चोरियाँ तो उरम पर सारा कुछ अंदर आता है तो इस वजह नाल वाल इतने बंदा कोई ना कोई बवावना पाँदा है जोड़ा बैठा रहा है यानी कि रात दारे तो जो कोई छड़िया छड़िया चाय लेंदे ना वो सामने कणक खड़ी है अपनी है भाई गंदम गंदम काश्त हो पी है सामने तो अपनी है भाई बाकी चलो आज वीडियो बाकी भी लोग वीडियो शुरू करे सू तुम दिखाने पुसा लिए ने यानी कि कट्ठा कर लिए ने कट्ठा हो गई है पैम पे सामने थोड़े वेखो मलिक सकलैह कट्ठा की खड़े कट्ठा थी गई है हूँ तो चाह तो किले लै पे हूँ इन क्यों क्यों क्या हूँ यदि लौट कौन छे महीने दो महीने पिया रवन डे कुछ नहीं होंगे दो महीने नाल क्यों बने खराब हो बने चाह लिया कोई चलो हूँ चावन लगा है
ਮਲਿਕ ਸਕਲੈਨ ਪੈਮ ਚਾਵਾ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਖਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸੱਟੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲਾ ਪਲੇਅਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਵੇਖੀਏ ਚਾਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਚਾਲ ਹੈ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮਲਿਕ ਸਕਲੈਨ ਥਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਵੱਲ ਬਹਿੰਦਾ ਪੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖੋ ਤੂੰ ਆਹਦਾ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਚੈਸਾ ਵਧਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਲੇ ਖੁਲਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਅਤੇ ਠੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਰਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜਿਮ ਨਿਕਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਸੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਖੜੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਹੈ ਪਈ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਤੇ ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਏਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਧੀਮੀ ਧੀਮੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਠੰਡ ਬੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਚਲੋ